Oriya. Hello guys, welcome back to my channel Doodle World, where we do doodling and vlogging together. So it's time of the year जब हम बप्पा को अपने घर लेकर आते हैं. तो आज हमने बप्पा के लिए कुछ शॉपिंग करी और भोपाल के मार्केट्स में बहुत अच्छे अच्छे से गणपति देखे. तो आइए देखते हैं हमने बप्पा के लिए क्या शॉपिंग करी और कौन कौन से अच्छे अच्छे गणपति देखे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. आइए मिलते हैं हम राहुल भैया से, जो पिछले 12 साल से गणेशों का काम कर रहे हैं. तो अब हमें राहुल भैया बताएंगे कुछ गणेशों के डेकोरेशन के बारे में या मूर्तियों के बारे में. ये सब कस्टमर्स की मूर्तियां हैं. लोग बड़े स्तर पर मतलब अपने घर में उत्साह के लिए गणपति को बिठाते हैं और उनमें एक उत्साह होता है कि मतलब हर व्यक्ति अपने घर में गणेश को ले जाना चाहता है. तो इसलिए लोग अलग तरह से डेकोरेशन करवा रहे हैं. आज ये काम करते वक्त मुझे लगभग 12 साल हो गए, पर 12 साल में क्रेज में देख रहा हूँ हर साल मतलब लोगों में उत्साह क्रेज बहुत बढ़ रहा है. बट इस साल थोड़ा कोरोना को देखते हुए लोग थोड़ा सा घबरा रहे हैं कि वायरस के डर के कारण लोग थोड़ा सा एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए आ रहे हैं. जो कस्टमर आप दिन में भीड़ लगाते थे वो सुबह नाइट में एक अलग ही टाइम मतलब जिस तरह में कोई भीड़ ना हो उस समय आ रहे हैं कस्टमर. और काफी लोगों की इस साल डिमांड बड़ी से छोटी मूर्ति की हो गई है. जो 3 फीट की 4 फीट की बिठाते थे वो 1 फीट 2 फीट पे आ गए हैं. तो ये भैया की जो दुकान है वो हमारे मेन मार्केट में. भैया आपकी दुकान का नाम बताएंगे. ये मेन मार्केट के अंदर जलवानी प्रेस गली के अंदर बत्रा वालों के सामने श्री सिद्धि विनायक ट्रेडर्स के नाम से है. तो आप यहाँ जरूर आइए, यहाँ पे बहुत अच्छा मूर्तियों का कलेक्शन है. तो आप हर साल यहाँ से ही मूर्तियाँ परचेज करें अगर आप भोपाल में रहते हैं तो. Thank you.
इतने अच्छे अच्छे गणपति देखकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और मैंने अपने घर के लिए कौन से गणपति लिए ये जानने के लिए डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक करके मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। टिल देन टाटा।